छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। आधा किलो हमने चिकन लिया है, दो मीडियम साइज की कटी हुई प्याज ली जिसको मैंने फ्राई कर लिया, हाफ कप ऑयल लिया है, ये वही ऑयल है जिसमें हमने प्याजों को फ्राई किया था। दही ली है एक कप, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 टेबलस्पून, नमक लिया है मैंने 2 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, कूटे हुए पिस्ते हैं, तो यही मुगलाई बिरयानी की खासियत है, इसमें पिस्ते और बादाम रहेंगे। गुलाब लड्डू जल्दी आओ। जी, क्या हुआ? अरे मैं ये टीवी पर बिरयानी बनाने की तरकीब देख रही थी। आप, ये आपका बिरयानी से इन चीजों से क्या ताल्लुक? और मम्मी जी हमें बताने की क्या जरूरत है, हमें तो पहले से बिरयानी बनानी आती है। अरे आज खाना मैं बनाऊंगी। हाँ अब क्या कह रही है तानी बेगम, आज पहली बार ऐसा सुना है। बस बस ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब आज हमारी छुट्टी है। मैं ऐसे ही समझो यार, छुट्टी है। हाँ, आ जाओ। अरे अरे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? आपने जो कहा था आराम करने जा रहे हैं, आपने कहा था आप पकाएंगे खाना। जी नहीं, खाना मैं बनाऊंगी मगर काम आप लोग करेंगे। लेकिन मम्मी जी अभी तो आपने कहा कि आज खाना आप खुद बनाएंगी। हाँ हाँ खाना तो मैं बनाऊंगी मगर काम तुम दोनों करोगे। चलो जाओ कॉपी पेंसिल लेकर आओ, मैं चीजें लिख कर देती हूँ, बाजार से लेकर आओ। लड्डू लेके आओ, जाओ सब चीजें। कॉपी पेंसिल से मेरा क्या ताल्लुक? जाओ जल्दी लाओ। अच्छा धनिया पुदीना भी लिख ले। जी जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज हमारे घर में हमारी मम्मा बना रही हैं बिरयानी। बस ये सब ले आना। बस ये सब? और कुछ रहते नहीं क्या मम्मी जी? बहुत कुछ रह गया है भाई। क्या रह गया? दही। वो तो बना ही रहे हैं। क्या मतलब लड्डू? मतलब ये कि वो दही तो डलेगी ना मुगलाई बिरयानी के अंदर। और क्या? और क्या? टमाटर। अरे भाई मुझे क्या पता बिरयानी में क्या क्या डलता है, बस देख लीजिएगा जो भी हो ले आइएगा। आप बिरयानी बना रही हैं और आपको ये नहीं पता कि बिरयानी में क्या क्या डलता है? गुलाम ज्यादा उस्ताद बनने की जरूरत नहीं है, जाइए और सब चीजें लेकर आइए, यही मुगलों का स्टाइल होता है। मेरा ख्याल चल। अरे ज्यादा से ज्यादा पीछे टपक मत जाना ससुर जी। हां हो गई, आइए देर हो रही है। लेके आ रहे हैं भाई, लेके आ गए। आओ भाई आओ लड्डू आ जा। चले मम्मा हम वीडियो बनाते हैं दोबारा। तो अब बताइए ना मामा कि और हम क्या क्या करेंगे, किस किस तरह होगी बिरयानी हमारी? हनी जब मैं बिरयानी बनाऊंगी ना तो तुम देख लेना, सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे और उसकी शक्ल इतनी खूबसूरत होगी लाइक मी। जी जी अब जी, तो आप लोग देखते रहिए, बहुत जल्दी आएंगे हम बिरयानी के साथ, आप इंतजार कीजिए। सही है, बाय टाटा। बाय मामा। आपका पता है मैंने ना अपनी एक दो फ्रेंड्स को भी बुला लिया यहाँ पे। तुमने बहुत अच्छा किया, मैंने भी कुछ लोगों को बुलाया, आज बहुत मजा आएगा बिरयानी। ओ हो तुमने कभी ऐसी बिरयानी खाई नहीं होगी। बस अम्मी जानी जरा गला खराब हो रहा है, तबीयत भी ठीक नहीं है, काफी सालों के बाद ये काम करने जा रही हूँ, आप दुआ कीजिएगा सब ठीक हो जाए। अच्छा अल्लाह हाफिज। अरे वाह मामा जी, नाजरीन देखिए जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये है मेरी मामा जो आज बनाने वाली है मुगलाई बिरयानी। तो बताइए ना मामा आपको कैसा महसूस हो रहा है? हनी मैं बिरयानी बना रही हूँ, कोई हुकूमत थोड़ी बना रही हूँ कि कैसा लग रहा है। ओहो वो क्या है ना कि मेरी मामा जो है ना वो थोड़ी सी पुराने जमाने की है, तो हम एक काम करते हैं हम थोड़ी देर बाद दोबारा लाइव आते हैं, ठीक है? ओके खुदा हाफिज़। मामा क्या करती हैं आप भी ना? ऐसी भी कोई बात नहीं है हनी। अरे भाई कहाँ गए? अस्सलाम वालेकुम भाई। लो भाई आज मजा आएगा। क्या हुआ प्यारे मियाँ? मतलब हमको नहीं बताया गया और अकेले अकेले। क्या प्यारे मियाँ क्या अकेले अकेले? अरे भाई बिरयानी बन रही है और वो भी तानी बेगम बना रही है और हमें खबर तक नहीं है। प्यारे मियाँ आपको कैसे पता चला? अरे भाई अभी हनी बेटी फेसबुक पे ऑनलाइन थी और आप कह रही है कि हमें किसने बताया? आपने आपने फेसबुक पे देखा? हाँ भाई मैंने देखा, मैं तो देखते ही रह गया, फिर मुझे खुशी हुई। किस बात की खुशी? अरे यही कि आज गुलाम और लड्डू को आराम मिलेगा, क्योंकि मैंने भी देखा वो दोनों बाजार में सामान खरीद रहे थे। हाँ तो भाई बिरयानी बनेगी तो सौदा सेल्फ तो लाना पड़ेगा ना। बिल्कुल, तो फिर मैं कब आऊँ? किस लिए? अरे भाई बिरयानी खाने के लिए और किस लिए? आप भी खाएंगे?
क्या मतलब? अरे भाई हम आए किस लिए? अरे हम तो वो खुश नसीब होंगे जो आपके हाथों की बिरयानी खाएंगे। अच्छा अच्छा चलें ठीक है, शाम को आ जाइएगा। ठीक है फिर मैं जाता हूँ, लेकिन एक बात का ख्याल कर लीजिए जरा, बिरयानी में मिर्ची जरा मुनासिब रखिएगा, मैं जरा मिर्ची कम खाता हूँ, ठीक है? और वो जरा बिरयानी के साथ दही का रायता, वो सैलेड, वो जरा मजा आ जाएगा। हाँ, और क्या खाएंगे? और वो अगर थोड़ा सा मीठा भी हो जाए उसके बाद चाय। ठीक है सब बना लेंगे हम, ठीक है आप जाएं, अभी आप जाएं। जी जी ठीक है ठीक है ठीक है, आप खुद बहुत समझ गई सारी बातें मेरी। ठीक है ठीक है ठीक तो वाह, ऐसे जैसे कभी जिंदगी में बिरयानी खाई ही नहीं। भूखा लग रहा है मुझे तो बिल्कुल ही। अच्छा तो फिर आप मुझे ये बताएं कि आप आज आप खाना कैसे बनाने वाली हैं? क्योंकि मैं मुगलई बिरयानी बनाने वाली हूँ ना, तो उसमें जाफरान, दही, टमाटर, मसाले सब डलेगा। हाँ मुगलई बिरयानी, हाँ है सही है सही है, तो हम ना बहुत जल्दी बिरयानी बनाने वाले हैं, सही है? बाय। बस कोशिश कर रही हूँ, अल्लाह करे कि अच्छी बन जाए। आप भी आए ना शाम को। ओके अल्लाह हाफिज। ओ, अरे भाई आ गए आप लोग? जी जी अभी अभी आए हम लोग। चलें तो फिर फौरन किचन में चलें। हम लोग काहे के लिए? अरे प्याज व्याज कौन काट के देगा, फौरन जाएं किचन में और सब चीजें काट के मुझे आवाज दें। मतलब वो भी हम काटेंगे? तो कौन करेगा? तो फिर बिरयानी भी हम ही बना लेते गुलाम। जी ठीक है चलें, फौरन चलें किचन में। लड्डू तुम क्या खड़े यहाँ पर बातें सुन रहे हो, चलो ये काटना भी है। मैं तो पहले ही खा रहा हूँ, चलो चल फौरन चल, अब आराम नहीं करना है, काम करना है। खाम खाई आराम आराम, सब चीजें कट जाए तो मुझे आवाज दे देना। अच्छा भाई मैं अक्सर ऐसी चीजें बनाती रहती हूँ। क्या पापा, मैं वीडियो बना रही थी और आप देखिए जरा खांस के मेरी वीडियो खराब कर दी पूरी। अरे भाई वो तो मैं इसलिए खांसा था कि इतना बड़ा झूम कि मैं अक्सर ये बनाती रहती हूँ। अरे तो क्या हो गया अगर थोड़ा सा झूठ बोल दिया तो? मैं तो ऐसे ही कह रहा था, झूठ बोलने की क्या जरूरत। हाँ हाँ खुद तो जैसे कभी झूठ बोला ही नहीं है। मेरी ऐसी मजाल, मेरी हिम्मत के मैं आपसे झूठ बोलूँ? अच्छा जी, और वो जो पैसों के मामलात में हर वक्त झूठ बोलते रहते हैं वो? ये नहीं, मैं ये देने आया था, वो प्याज काट ली मैंने, मैं बाहर जा रहा हूँ। बाहर क्यों जा रहे हैं? अरे वो टमाटर, हरी मिर्चे वगैरह कौन काटेगा? बाहर ही रखा हुआ है, वहीं काट लेता हूँ मैं। चले मामा फिर से चले, पता है पता। ओहो हनी मैं तुम्हारे इन चोंचलों से ना तंग आ चुकी हूँ। हाँ तैयार हो गई। कौन? अरे बिरयानी। आपको कैसे पता? लो भाई सारी दुनिया को मालूम है कि तुम्हारी बेगम ने नेट पे ऐलान कर रखा है। आपने उसको ऐड कर रखा है? भाई उन्होंने मैं एक्सेप्ट कर रखा है। यार ये भी हर चमचे डोई को ऐड कर लेती है। अरे खैर भाई जल्दी करो, जल्दी लाओ मुझे बहुत भूख लगी हुई है। ओ भाई ये घर है होटल नहीं है, और ये प्लेट और चमचा साथ में लाने की क्या तुक है भाई? अरे भाई मैं जहाँ भी जाता हूँ अपना सामान और औजार साथ लेकर जाता हूँ। देख भाई पहली बात तो ये प्यारे कि बिरयानी अभी तक बनी नहीं। क्या बकवास है यार, आप लोगों को एहसास नहीं, एक आदमी भूखा मर रहा है यार। ओ भाई क्या हो गया? हेलो क्या? अबे मैं गिर पड़ूंगा, मुझे भूख के मारे चक्कर आ रहे, बिरयानी नहीं बनी यार। क्या यहाँ पर बिरयानी का ऑर्डर देके गया था तू? ऑर्डर क्या मतलब यार, पड़ोसी की कोई हकूक नहीं है क्या? पड़ोसी के हकूक? अबे ये कौन से हकूक ले आया इस वक्त बीच में? मैं जब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं बिरयानी नहीं खा लेता, नहीं तो। अबे तू ऐसे नहीं मानेगा, चल 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 चल। अबे पहले घर में किसी को मार दे फिर बिरयानी मंगवा लेना, समझा? चल 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 जा रहा हूँ जा रहा हूँ। लेकिन लेकिन क्या? जब बिरयानी बन जाए तो मुझे बुलवा लेना यार, मैं आ जाऊंगा।
बल्कि दोबारा आना पड़ेगा, मैं यहीं रह लेता हूँ। कैसा ठीक आदमी है यार, यार क्या बड़ी इलायची जैसा मुंह है इसका, मार मार के दारचीनी बना दूंगा। अबे मार मार के दारचीनी बना दूंगा, भाग जा। बताए 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 कैसे अच्छे बनते हैं ना। और फिर आपने इसमें लगाना है तड़का। हटो जी। एक कन्नी भी आ गए माशाल्लाह से, इतनी खूबसूरत बिरयानी बन रही है ना कि मजा आ जाएगा। बस भाई अब मैं थक गई हूँ। थक गई? पता चला क्या? पता चला यही बेगम के ये घर का काम करना कितना मुश्किल काम। बस आपको तो बहाना चाहिए। अरे मैं ऑफिस जाती हूँ, घर में बैठ के रोटियां नहीं तोड़ती आपकी तरह। हाँ सही बात है। कहाँ जा रही हैं आप? अपने कमरे में जा रही हूँ आराम करने, और चावल रखे दम पे, ध्यान रखना। अरे मम्मी जी फिक्र ही ना करें, हम देख लेंगे। वैसे तो मैं खुद भी आके देख लूंगी, मगर तुम भी जरा ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि जल ही जाए। अरे बेफिक्र रहे, कोई चीज जलने नहीं देंगे हम, देखेंगे। बस ठीक है। देखते रहना। अच्छा अच्छा ठीक है, हम एक काम करते हैं, बाकी बातें ना हम बाद में करते हैं। इतनी जल्दी में क्यों? अरे क्या है ना कि मेरी मम्मा है ना, वो पहली मर्तबा खाना बना रही है, वो भी बिरयानी, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं जाऊँ किचन में जाके उनकी हेल्प करूँ। अल्लाह खैर करे। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने ऐसे क्यों बोला अल्लाह खैर करे? तुम तो नाराज हो रही हो। मेरा मतलब है कि अल्लाह खुश रखे तुम्हें, तुम्हारी मम्मा को भी, बहुत अच्छी बात है खाना बना रही हो। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा तुम एक काम करो ना, तुम बिरयानी खा के जाओ हमारे घर से। नहीं हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कौन सी बात हुई, तुमने ऐसा क्यों बोला? मेरे पेट ना बहुत ज्यादा खराब है बस, तो इसलिए मैं कुछ खा नहीं सकती। अच्छा अचानक से तुम्हारा पेट खराब हो गया, अभी तो तुम बिल्कुल ठीक थी। वो असल में तुमसे इतने टाइम के बाद मिली हूँ ना, तो सारी बातें पेट में जमा हो गई थी, अब जब पेट खाली हुआ तो फिर दर्द का एहसास हो रहा है। ठीक है ठीक है, ज्यादा बहाने मत करो और जाओ तुम, कोई बात नहीं। अच्छा मैं ठीक है, अपने अपने शौहर का ख्याल रखना। ठीक है बाय, अल्लाह हाफिज। हाँ जाओ ना। अरे कहाँ घूम रहे हो ससुर जी? घूम नहीं रहा, बिरयानी देखने गया था। अरे वो बन जाएगी। क्या फिल्म आ रही, क्या जबरदस्त फिल्म आ रही है देखो। फिल्म में डांस है? अभी तो फिलहाल मुझे रोना आ रहा था फिल्म देख के, मगर बड़ी अच्छी फिल्म है। अरे वाह वाह वाह। इसके बाद तुम्हें पता क्या हुआ था? इसके बाद कितनी कितनी जालिम जालिम सास है यार। आंसू आ गए मुझे तो, मम्मी जी की याद आ रही देख देख के। ससुर जी, ससुर जी, अरे ससुर जी उठो। क्या क्या हो, क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ, क्या हुआ? ससुर जी उठ के वो देखो कुछ जलने की बू आ रही है, है ना? आ रही है ना? लड्डू ससुर जी, लड्डू लड्डू ससुर जी, ससुर जी अब तो तानी बेगम बहुत मारेंगी हमें, आज तो जान से ही मार देंगी हमें। अब यार क्या करें, कुछ करना लड्डू यार, कुछ मैं क्या करूं ससुर जी? अरे यार क्यों, तू तो जाग रहा था, मैं तो सो गया था ना यार। अब मुझे सारा मामला मेरे ऊपर डाल दो ससुर जी, कमाल करते हो यार, सब छोड़ो ये बताओ बाकी करना क्या है? करना क्या है, मैं क्या बताऊं क्या करूं, मेरे तो कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, मेरी हालत तो इस पतीले जैसी हो गई है यार। मुझे पता है, नहीं भाई तेरी तरकीब ऐसी होती है यार,
इस पतीले की तरह हमें भी जला देंगी। बता क्या है, बता क्या? मेरी बात सुनो। अबे नहीं यार, नहीं ओ यार, कैसे कर? तो बस ठीक है, कर लो। अबे अच्छा जा, चल जल्दी जा, जल्दी जा, जल्दी जल्दी हटो, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। अबे लड्डू, अबे कब लाएगा बिरयानी यार, बहुत देर हो गई। अबे यार यार लड्डू यार, उठ ना जाए वो यार, आ ना जाए। अबे लड्डू कब आएगा सर जी? यार लड्डू इतनी देर लगा दिया, हो गई? हाँ काम तो हो गया, मम्मी जी तो नहीं आई। शुक्र है भाई, हाँ बच गए हम, वो नहीं आई। देख लो सील करवा के लेकर आया हूँ ताकि गर्मा गर्म भी नहीं आ रहा है, A1 बिरयानी है। क्या मोहे, क्या जबरदस्त। बाबा बोल बोल बुला लूं। तानी बेगम, हनी आ जाओ, आ जाओ, बिरयानी हो गई तैयार, जल्दी आ जाओ। हनी को बुला, हनी को बुला। हनी हाँ हाँ, अरे क्या हो गया, क्यों शोर मचा रहे हो? वो मम्मी जी बिरयानी तैयार है। अरे हाँ, मेरी तो आंख लग गई, नींद आ गई थी मुझे। अच्छा वो आंख लग गई थी। क्या मामा, खोली ना पतीला, मैं लाइव हूँ। अरे हाँ लड्डू, इसके ऊपर इतनी टेप क्यों लगाई है? वो मम्मी जी बिरयानी गर्म रहे, आपकी आंख लग गई थी ना, मैंने सोचा बिरयानी गर्म रहेगी, मैंने टेप लगा दिया। जाओ इसको खोलो और प्लेटें व्लेटें लेकर आओ। मैं लेकर आता हूँ, जल्दी से प्लेटें मैं खोल दो। नहीं ले मम्मी। अस्सलाम वालेकुम। हां हां भाई, बन गई बिरयानी? मैं बहुत ही नदीदा आदमी है यार ये तो। अबे फिर आ गया तू यार, जल्दी करो जल्दी करो। मुझे जब से मालूम हुआ कि बिरयानी बन रही है, मैंने तो सुबह से कुछ नहीं खाया, अब तो रात हो गई है यार, बहुत भूख लग रही, जल्दी करो यार। हैं? ये कैसे हो गया जरदा? मेरे ख्याल से पहले सुई डिश आ गई। मम्मी जी इसी वजह से मुगलों का यह हाल हुआ, करने कुछ और जाते थे, हो कुछ और जाता था, आप भी बिरयानी बनाने गई थी, बन गया जरदा। अरे मगर ये कैसे हो गया? क्या मामा, आपने मेरी सारी वीडियो खराब कर दी। अरे तुम्हें वीडियो की पड़ी है यार, मेरा सारा मूड खराब हो गया आ रही तो। अरे भाई आप अपनी बिरयानी छोड़कर किसी और का जर्दा उठा ला यार। मैं थोड़ी था, कौन भाई? हेलो हेलो हेलो, मेरी था। अरे भाई आपकी थी, और ये पतीला भी आपका है। याद करो भाई, आपने कहा था कि आपकी बिरयानी जल गई, आपकी खड़ूस सास ने बनाई थी। नहीं, ये लेके जा रहा हूँ, ये ले खड़ा हुआ है वो, उसकी बिरयानी आपको दे आता हूँ भी थोड़ी देर में। लड्डू मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। यार तुम अपने फटे बाप में निपटाना, मैं बता रहा हूँ मैं बिरयानी खा पका नहीं जाऊंगा, जल्दी से और बिरयानी मंगा लो। बिरयानी ससुर जी, अरे यार कहाँ पड़े हो ये, उठो, कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हो? अरे उठो यार ससुर जी। अभी कोने वाले घर में एक औरत बुरी तरह प्रेशर की बेइज्जती कर रही थी, कसम से गुलाम साहब याद आ गए। क्या आप मुझे डरा रहे हैं ना? अबे गधे, डरा नहीं रहा, समझा रहा हूँ। अब तो मेरे साथ ऐसा करोगे? हाँ अभी तो मौका मिला है लड्डू को अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का। हाँ ये मुझे तो मैं अस्पतालों को दूंगा। वो क्यों? मरीजों को बेहोश करने के काम आएंगे। सही कह रहा है, सही कह रही हैं अम्मा आप। गुलाम जैसा बेवकूफ मिलना कोई आसान थोड़ी है, चलो ढूंढते हैं, अगर कोई मिल गया तो फिर मैं आपको बताऊंगी। मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशार, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। घर का मां, घर का मां, घर का मां।